अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 जानकी जीवन जानकी जीवन राम 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 दशरथ नंदन राम जानकी जीवन राम 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 दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम दशमुख मर्दन राम पशुपति रंजन राम पाप विमोचन राम दशरथ नंदन राम दशमुख मर्दन राम पशुपति रंजन राम पाप विमोचन राम मणिमय भूषण राम मंजुल भाषण राम मणिमय भूषण राम मंजुल भाषण राम रण जय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम ओ सीता मोहन जानकी जीवन पतित पावन राम सीता मोहन जानकी जीवन पतित पावन राम अयोध्यावासी राम 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 जानकी जीवन राम अयोध्यावासी राम 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 जानकी जी जय राम जय राम जय 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 राम जय जय राम जय राम जय 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 राम
सीताराम बोलो सीताराम। ओ सीताराम बोलो सीताराम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम। ओ जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम जय जय राम। अशियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। राम कथा महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंकं लंघयति गिरिं यत् कृपातमं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री राम। तो आज राम कथा का पांचवा दिवस है। तो पांचवा दिवस में आए हुए सभी भक्तों का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसको बंद कर दो। बंद कर दो। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, कल हम सुंदरकांड चर्चा कर ही रहे थे और कि हनुमान जी अब सीता माता का ठाव करके आ गए हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न है हनुमान जी के ऊपर। मेरा पानी बोतल ला।
तो भगवान कहे, हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहे कि गरुड़ के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह कार्य संपन्न नहीं कर पाता जिसे आपने किया है। सर्वोत्तम सेवक वो होता है जो अपने स्वामी द्वारा कोई कार्य सौंपे जाने पर सौंपे गए कार्यभार से अधिक कार्य संपन्न करता है। कहा तो गया था सीता जी का खोज करना, लेकिन वो क्या किए, सीता जी का खोज भी कर दिए और लंका जी को ये भी नाप लिए कि कैसे कैसे उसका सिक्योरिटी है और उसे जला के भी आ गए और साथ साथ सीता माता को भी उनका भी जो है ढाढ़स बढ़ा के आए। और मध्यम दर्जे का सेवक वो होता है जो सक्षम होने पर भी स्वामी द्वारा दिए गए आदेश से अधिक कार्य करने का प्रयास नहीं करता। और सबसे अधम सेवक वो होता है जो समर्थ होने पर भी स्वामी द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है। ये तीन प्रकार के सेवक। तो भगवान बहुत खुश होकर बोले, बोले मेरे प्राणों की रक्षा की है तुमने और मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि मैं आपको उचित पुरस्कार दे पाने में असमर्थ हूँ। अभी मैं तो कोई पुरस्कार नहीं दे सकता। इस समय वनवास में होने के कारण मैं एकमात्र यही कर सकता हूँ कि मैं आपको गले से लगा लूँ। इस प्रकार भगवान जो है उनको, हनुमान जी को गले से लगाए। तो फिर सुग्रीव को और भगवान मुड़ के बोले कि अब तो पता चल गया कि सीता कहाँ है, तो कैसे समुद्र को कैसे पार करेंगे, ये एक चिंता का विषय है। तो सुग्रीव बोले, हे प्रभु, जिस प्रकार एक कृतज्ञ व्यक्ति आसानी से अपने पर किए गए उपकार को भुला देता है, उसी प्रकार आपको दुख का त्याग कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति में उत्साह की भावना नहीं होती है उसके समस्त कार्य दुख के कारण बन जाते हैं, और जो व्यक्ति दुख में डूब गया हो उसके सभी प्रयास निष्फल भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम समुद्र के ऊपर एक सेतु बांध देंगे, ऐसे प्रकार वो बोले। तो हनुमान को बोले, भगवान राम बोलते हैं, मैं अपनी गूढ़ शक्तियों का प्रयोग करके आसानी से समुद्र को पार कर सकता हूँ, या फिर यदि मैं चाहूँ तो समुद्र को सुखा भी सकता हूँ, परंतु मुझे लंका की किले बंदियों के बारे में और साथ ही वहाँ आप जितने भी प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर पाए हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं, थोड़ा सा और बताइए कि क्या है। तो हनुमान जो है वो बोलते हैं लंका के बारे में, कहते हैं कि लंका के चार प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणालियाँ हैं। पहली यह है कि पर्वत पर बहुत ऊंचाई में बसे होने के कारण और चारों ओर से एक नदी से वो सघन वनों से घिरे होने के कारण उस पर आक्रमण करना प्राकृतिक रूप से कठिन है। इसके अतिरिक्त वहाँ कृत्रिम रूप से खड़ी की गई किले बंदियाँ भी है। लंका के चारों ओर सोने की बहुत ऊंची ऊंची चार दीवारी है और चार दिशाओं में चार विशालकाय प्रवेश द्वार हैं। दीवारों के चारों ओर चौड़ी चौड़ी खाइयाँ हैं और इन खाइयों पर चार खुलने बंद होने वाले पुल है, मतलब वो पुल जो है ज़रूरत पड़ेगा तो उनके ज़रूरत पड़ेगा तो खुल जाएगा, नहीं तो फिर बंद रहेगा, जो चारों प्रवेश द्वारों को जाते हैं। लंका में आग लगाते समय मैंने जानबूझकर सभी खुलने बंद हो जाने के वाले पुलों को नष्ट कर डाला
और दीवारों के कई हिस्सों को मैंने तोड़ डाला है। मैंने ये काम पहले से करके आ गया हूँ। मेरे प्रिय प्रभु राम, मेरा प्रस्ताव है कि अंगद, द्विविद, मिंदा, जांबवान, मानस, नील और मैं अर्थात सभी महानतम योद्धा छलांग लगाकर लंका पहुंच जाए। इस प्रकार हम बानरों की संपूर्ण सेना को समुद्र पार कराने की चिंता किए बिना रावण को पराजित भी कर सकते हैं। बोला हम लोग ही जाके निपटा देंगे, काम निपटा देंगे। भगवान बोले नहीं, मैंने शपथ ली है कि मैं स्वयं लंका जाकर इसे नष्ट करूँगा। तो फिर सुग्रीव बोलते हैं, बोलते हैं सूर्य अभी मध्य रेखा पर है, इसलिए अभी अभी ये जो है अभिजीत नामक एक शुभ घड़ी आरंभ हुई है। सैन्य अभियान करने के लिए यह एक सुअवसर है और साथ ही मेरी बाई आँख की ऊपरी पलक भी फड़क कर विजय का संकेत दे रही है। आइए हम सभी बानरों की को इकट्ठा करें ताकि हम तत्काल लंका की ओर हैं कुछ कर सकें। तो इसी प्रकार करते करते तो चलते हैं और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, जरा इन शुभ शगुनों को तो देखे, हमारी पीठ की ओर से शीतल हवा प्रवाहित हो रही है और जंगल के जीव जंतु अपने संतोष को प्रकट करने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। स्वयं यह पृथ्वी बहुत शांत व तरी ताज़ा जान पड़ रही है और हमारे सिर के ऊपर सूर्य प्रसन्न भाव से चमक रहे हैं। बोले ये सब शुभ शकुन है। तो फिर सेना जो है दिन रात आगे बढ़ रहे हैं, तो जाके महेंद्र पर्वत के ऊपर पहुंच गए और महेंद्र पर्वत के शिखर पर भगवान राम चढ़ गए और चढ़ के फिर वो देख रहे हैं। हम अभी गए थे, कुछ 5-6 महीने पहले गए थे, नवंबर में अक्टूबर में गए थे, तो उसका नाम है राम झरोका। रामेश्वरम में उसका नाम है राम झरोका, जहाँ पे भगवान राम चढ़ के देखते थे, वहाँ पे भगवान जी का चरण चिन्ह भी है, तो वहाँ पे जाके जो है देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो है क्या किया गया, सब समुद्र के किनारे पहुँच गए तो फिर तंबू वगैरह सब लगाया गया रहने के लिए और फिर समुद्र की ओर देखते ही भगवान राम जो है तो उनका धीरे धीरे उनका जो है क्रोध बढ़ रहा है कि मैं जाऊंगा कैसे पहुंचूंगा। तो उसी समय उस समय क्या होता है कि रावण के और हम चलते हैं कैमरा लेकर, अब लंका की ओर चलते हैं। तो लंका में क्या हुआ, लंका में क्या हुआ है कि जब हनुमान जी चले गए तो रावण ने क्या किया कि मीटिंग बुलाया, सबको मीटिंग बुलाया। तो मीटिंग बुलाने के बाद वो कहता कि मुझे लग रहा है कि जब हनुमान ऐसे करके गए हैं तो हमारा विजय जो है थोड़ा कठिन है, ऐसे जो है रावण कहता है। और फिर वहाँ पे जो सब मंत्री वगैरह थे वो क्या करते हैं कि उसका बढ़ाते हैं उसको, है ना, बढ़ाते हैं। तो राक्षस ने कहा, हे राजन, भला आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, आप स्वयं इतने शक्तिशाली है कि अपने सभी शत्रुओं का अकेले ही वध कर सकते हैं। जरा याद करें आपने किस प्रकार
कुबेर को पराजित करके उसे लंका छीन ली थी। कृपा करके याद करें कि किस प्रकार माया दानव ने आपसे भयभीत होकर आपको अपनी पुत्री मंदोदरी को सौंप दिया था। भला आपको चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? आप शांतिपूर्वक विश्राम करें। आपका पुत्र इंद्रजीत ही वहां जाकर सबको जो है मार के समुद्र पार करने से पहले ही वो बध करके आ जाएंगे, तो आप चिंता मत करें। और इंद्रजीत ने स्वर्गाधिपति इंद्र को लंका में बंदी बनाकर रख दिया था, तो ब्रह्मा जी के अनुरोध पर ही इंद्र यहाँ से स्वतंत्र होकर लौट सके, स्वर्ग के सिंहासन पर दोबारा बैठ सके। इंद्रजीत का मतलब क्या है? जो इंद्र को जीत लिया है, एक बार इंद्रजीत जो है उस इंद्र को भी बंदी बना लिया था। तो एक बेटा था उसका दुर्मुख, उसने कहा ये जो अपमान हुआ है इसका बदला मैं अवश्य लूँगा, मैं इस पृथ्वी से बानर मात्र का नाम मिटा दूँगा, वे चाहे स्वर्ग में पृथ्वी पर या भले ही समुद्र के अंदर हो, पर मैं बानरों का नाश कर दूँगा। ये जो करके गया है हनुमान, जो करके गया है इसका मैं बदला लूँगा। तो कुंभकर्ण का एक बेटा था, उसका नाम था निकुंभ। तो उसने कहा आप सभी यहाँ पर अपने स्वामी के साथ रहे, मैं जाता हूँ और अकेले ही बानरों सहित राम का नामो निशाना मिटाकर आ जाता हूँ। तो इसी प्रकार सब लोग बोल रहे हैं, तो फिर विभीषण बोलने लगे। तो विभीषण कई प्रकार के उनको समझाने लगे जो है रावण को, मेरे प्यारे बड़े भैया, बुद्धिमानों की सलाह है कि अन्य तीन रणनीतियों को के विफल हो जाने के बाद ही हिंसा का सहारा लिया जाना चाहिए, परंतु तब भी हिंसा केवल तब भी न्यायचित होती है जबकि इसका प्रयोग दुष्ट लापरवाह पहले से किसी अन्य शत्रु के आधिपत्य में होने या दुर्भाग्य की स्थिति में किया जाए। राम सर्वशक्तिशाली है, धर्मात्मा है और वो बदला लेने के लिए युद्ध करने को व्यग्र है। इस दृष्टि से विचार करें तो आप उन्हें पराजित करने की आशा भला कैसे कर सकते हैं? तो अभी जो है हमारा संकट है सीता, तो सीता को आप क्या कीजिए, आप वापस कर दीजिए। तो रावण जो है वो क्रोधित हो जाता है। फिर विभीषण फिर और समझाने के प्रयास करता है और कहता है कि हे रावण, आपके लिए एकमात्र पश्चाताप यही है कि आप सीता को तत्काल राम के सुपुर्द कर दे। मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ सत्य बोल रहा हूँ, जबकि आपके अन्य मंत्रीगण केवल आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि ऐसा न करने पर आप उनसे अप्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन रावण तो है जो है वो और क्रोधित हो उठा, बोला मैं राम या किसी और से नहीं डरता, इसलिए मैं सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। मेरे प्यारे छोटे भाई, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो और अपना काम करो, इसी प्रकार बोला। और फिर जो है फिर रावण बोला सीता तो मेरे पत्नी बनने के लिए तैयार है, परंतु वो बस एक साल मांगी है, क्योंकि उसने राम के लिए यह समय निर्धारित किया है ताकि वो इस दौरान यहाँ आकर उसका उद्धार कर सके। इसी कारण मैं अब तक शांत रहा,
परंतु अब ऐसा जान पड़ रहा है कि राम और लक्ष्मण बानरों की एक विशाल सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे तो नहीं लगता कि दो मानव और बानरों का एक झुंड हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। फिर भी हनुमान नाम का एक बानर द्वारा किए गए भीषण विनाश के कारण मुझे यह स्वीकार करना पड़ रहा है हमारा विजय जो है वो अनिश्चित है, ऐसे रावण कह रहा है। तो यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में है कि कुंभकर्ण तब तक जगा हुआ है, तो कुंभकर्ण कहता है कि अरे मूर्ख राजा, तुम्हें हमारी सलाह तो तब लेनी चाहिए थी जब तुम सीता का अपहरण करने जा रहे थे, उस समय तो सलाह नहीं ली, और उस समय तुम कामनाओं के वशीभूत थे। यदि तुमने उस समय सलाह ली होती तो इस समय तुम्हें पछताना नहीं पड़ता। खैर अब चिंतित ना हो, तुम्हारी इस भयंकर गलती के परिणामों से बचाने के लिए मैं राम और लक्ष्मण का वध कर दूंगा और सभी बानरों को खा जाऊंगा, इस प्रकार कुंभकर्ण बोलते हैं। तो एक था महापार्श्व, उसने बोला कि हे राजन, विषैले सर्पों से भरे वन में मेहनत से शहद का पता लगाने के बाद भला कौन होगा जो इतने परिश्रम से प्राप्त हुए शहद का स्वाद नहीं चाखना चाहेगा। तो आप जबरदस्ती सीता का भोग करके अपने हृदय को कामना को शांत क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास तो ये ऑप्शन है, तो आपको भला कौन रोक सकता है? तो जब ऐसे बोलते हैं तो रावण फिर कहता है कि बहुत समय पहले एक बार मैंने एक अतुलनीय सुंदरी अप्सरा पुंजिका स्थला को देखा, और उस समय वो जो है वो ब्रह्मा जी की आराधना कर रही थी। उस अप्सरा को देखते ही मेरे मन में काम वासना भड़क उठी, इसलिए मैंने बलपूर्वक उसे पकड़कर उसका बलात्कार किया। तो अपनी काम वासना को शांत करने के बाद मैंने उसे जाने दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसी नग्न अवस्था में वो जाके दौड़ती हुई ब्रह्मा जी के पास शरण ले ली। तो जब भी ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दुष्ट राक्षस राज, यदि तुमने भविष्य में किसी भी स्त्री का बलात्कार करने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। यही कारण है कि मैं जबरदस्ती नहीं कर पा रहा हूँ। तो हालांकि मैंने घसीटकर जो है उसको ले आया था, लेकिन मैं अपने बिस्तर तक लेकर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि जो है ये श्राप के कारण। तो फिर विभीषण फिर बोलते हैं कि मेरे प्रिय रावण, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि सीता एक ऐसे विषैले सर्प की भांति है जिसे आपने अपनी गर्दन के चारों ओर बांध लिया है? अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करे और सीता को राम के पास लौटा दे, और इस प्रकार सीता को लंका के विनाश और समस्त राक्षसों के संहार का कारण न बनने दे। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, ऐसा कोई भी राक्षस योद्धा नहीं है जो युद्ध क्षेत्र में राम का सामना कर सके और उनकी शक्ति के बारे में आपको बताने के लिए जीवित रह सके। तो इस प्रकार जब करता है तो इंद्रजीत जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होके बोलता है कि हे विभीषण, आप कायर और नपुंसक है। तो विभीषण फिर कहते हैं कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो। तो रावण जो है वो अब जो है बहुत क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होता है कि होके कहता है कि है ना, ये इससे बढ़िया हम शत्रु के साथ रहे हैं। तो जब ऐसा कहता है कि फिर विभीषण कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
अस कोई चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि देखी हो जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद पर शितरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर पाए हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखी हों ते तो फिर विभीषण कहते हैं कि मैं अब श्री रघुवर की शरण में जाता हूं, तुम मुझे दोष मत देना। तो विभीषण चल पड़ते हैं। जैसे ही चल पड़ते हैं तो शिवजी तो ये कथा कह रहे हैं पार्वती माता को, तो कह रहे हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, क्योंकि विभीषण का अपमान हो गया, साधु है विभीषण, जैसे ही उनका अपमान होता है तो क्या होता है कि जो संपूर्ण कल्याण उसका नाश हो जाता है। और रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वो अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चलते हैं। सोचते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों की दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजित है, मेरा वह भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। ऐसे विभीषण सोच रहे हैं। जय श्री श्रीनाथ सुदामा महारानी की, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री गौनिताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों का को अभी जाकर इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार सोचते हुए जो है चल रहे हैं। और जैसे जाके वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो लोग सोच रहे हैं, बाकी लोग जो है सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया। तो कह रहे हैं कि
भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहियस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। तो सब लोग सोच रहे हैं कि ये शत्रु पक्ष है, हमारा भेद लेने के लिए आए हैं, जानना चाहता है हम कैसे युद्ध करेंगे, क्या करेंगे, सब है गुप्तचर है ये। इसी प्रकार सब लोग चर्चा करने लगते हैं और भगवान भी ओपिनियन ले रहे हैं। भगवान भी क्विकली नहीं कह रहे हैं कि हाँ इसको शरण दिया जाए, पूछ रहे हैं सबको, एक एक करके पूछ रहे हैं। तो सभी ने मना किया, सिर्फ हनुमान जी जो है थोड़ा चुप रहे, ना हाँ बोले ना बोले। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों को तो अच्छी नीति तो आप लोगों का अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने एक बहुत प्रण लिया है कि कोई अगर शत्रु भी अगर आके मुझे कह दे कि हे राम मैं आपका हूं, तो मैं उसको त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्यावर रामचंद्र की। तो फिर विभीषण अपना परिचय देते हुए कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथ उलुकाही तम पर नेहा। रहे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तो तामसी शरीर है और स्वभाव ही से मुझे पाप ही प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुय सुनकर आया हूं कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार वो जो है क्या कर रहे हैं, प्रणाम किए, भगवान जी को प्रणाम किए। और तो फिर कहते हैं कि तब लागी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, दरे चाप सायक कटिभाथा। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल
जा पर अनुकूला ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। तो कह रहे हैं कि लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। अगर रघुनाथ जी हृदय में बस गए तो ये सब नहीं रहेगा। हाँ, लोभ मोह मत्सर है कि नहीं, ये जो है ना छह अनर्थ। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिदैविक ताप आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। तब जब इसे ये कहे तो भगवान कहे कि जल्दी पानी लेकर आओ, इनका अभिषेक करते हैं। राज्य अभिषेक करते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे ये सब तो नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए। हैं विभीषण कहते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरसु अमघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो भगवान ने कहा हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हो गई। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दसों शिरों को बलि देने पर ही दी थी वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। है कि नहीं, आसानी से दे दी, जिसके लिए रावण को जो है 10 सिर काटना पड़ा था। तो इस प्रकार करते करते फिर बहुत प्रकार से करके जो है विभीषण यहाँ आ जाते हैं और तो फिर जो है रावण के बारे में विभीषण बताते हैं क्या क्या है कि मतलब रावण का क्या क्या उसका सैनिक वगैरह सब है। तो विभीषण के बारे में ये कुंभकर्ण के बारे में विभीषण बताते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण किसी विशाल पर्वत की भांति महाकाय है और इंद्र के समान शक्तिशाली है। राक्षसों के सेनापति प्रहस्त ने एक बार यक्ष सुरवीर मणिभद्र को कैलाश पर्वत पर पराजित कर दिया था। सबके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन कितना पावर है। वो अभेद्य कवच धारण करता है और एक बार अग्निदेव की तपस्या करने के बाद उसने उनसे वरदान पाया था कि वो युद्ध क्षेत्र में स्वयं को अदृश्य कर सकेगा। इसके अतिरिक्त महोदर महापार्श अकंपन के नेतृत्व में ऐसे लाखों राक्षस है जो अत्यंत भयानक है और अपनी इच्छा से अपने रूप भी बदल सकते हैं। इस प्रकार है तो
भगवान कहते हैं कि प्रिय विभीषण, मैं रावण की शक्तियों से भलीभांति परिचित हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि रावण वो अन्य राक्षस योद्धाओं का संहार करने के बाद आपको लंका के राज सिंहासन पर जरूर संस्थापित करूँगा, है ना। तो है विभीषण, सुग्रीव और हनुमान दोनों बोलते हैं कि हमें विश्वास है कि हम राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परंतु हम यह सोचकर परेशान हैं कि यह अपार विस्तार वाले अलंघ्य समुद्र को कैसे पार किया जाए। आप हमें इस बारे में थोड़ा सलाह दे सकते हैं क्या? विभीषण ने कहा, मेरे विचार से राम को समुद्र देव का आह्वान करना चाहिए। अतीत में उनके पूर्वज महाराज सागर ने धरती को खोदकर समुद्र को विस्तारित किया था। उनकी इस सेवा के लिए निश्चित ही समुद्र देव राम के उद्देश्य को की सफलता के लिए आभार स्वरूप उनकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार कर रहे थे तो एक गुप्तचर जो है शार्दुल नामक एक गुप्तचर ने बानरों का पता लगा लिया था और उसने रावण को बताया कि किस प्रकार सेना ने एक विशाल क्षेत्र में तंबू लगा लिया रखे हैं। तब राक्षस राज ने अपने दूत शूक को सुग्रीव के पास एक संदेश देने के लिए भेजा। तो शूक जो है ने एक पक्षी का वेश धारण किया और वो उड़कर सुग्रीव के ठहरने के स्थान पर पहुंचा और आकाश में उड़ते हुए उसने रावण का संदेश दिया। तो रावण का संदेश दे रहे हैं कि शूक जो है दे रहा है कि इनको सुग्रीव को दे रहा है, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो फिर आप लंका पर आक्रमण करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सीता के अपहरण का आपसे कोई लेना देना तो है नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप वापस किष्किंधा लौट जाए और शांतिपूर्वक यहाँ पे जीवन यापन करें। तो वो सोच रहा है कि थोड़ा सा अगर सुग्रीव चला जाएगा तो है ना, तो राम जी का शक्ति कम हो जाएगा। तो ऐसे वो बोल रहा था शुक, तो बानर जो है हवा में छलांग लगाकर उसके पकड़ लिए और उसके जमीन पर घसीटने के बाद बानरों ने उसके पंख को काट दिए और उसको बहुत मारा पीटा। फिर शुक कहता है, हे राम, धर्मपरायण लोग कभी भी दूत का वध नहीं करते हैं। और तो फिर भगवान राम जो है उसको छोड़ देते हैं। तो सुग्रीव बोलते हैं कि तुम अपने स्वामी को मेरा यह संदेश देना कि हे रावण, तुम अपने वंश की निकृष्ट विष्ठा के समान हो, क्योंकि तुम दूसरे व्यक्ति की पतिव्रता पत्नी का आनंद भोगने की लालसा रखते हो। इसी कारण जब मेरी वानर सेना समुद्र के पार करके लंका में आएगी तो राम तुम्हारे समस्त संबंधियों सहित तुम्हारा वध करेंगे। इस प्रकार जो है सुग्रीव उस शूक को दे दिए। तो अंगद बोले, ये तो गुप्तचर जैसे लग रहा है। और फिर शूक को जो है बांध देते हैं, अंगद वगैरह सब बांध देते हैं। फिर जो है वो राम जी को है ना पुकारता है, राम को गुहार करता है। तो राम ने कृपा पूर्वक उसे आश्वासन दिया, उसे उसके लंका पहुंचते ही उसे छोड़ दिया जाएगा। तो उसको बांध दिए, कहते कि हम जब लंका पहुंचेंगे तुझे छोड़ देंगे। तो फिर भगवान जो है अब समुद्र जो है कुछ प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। तो फिर भगवान कहे कि अब मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि सद्गुणों से रहित दुष्ट लोगों के सामने धैर्य, क्षमाशीलता, सरलता और विनम्रता जैसे सद्गुण कारगर नहीं होते हैं। मेरी विनम्रता और सहनशीलता के कारण समुद्र देव मुझे शक्तिहीन और असहाय समझ रहे हैं। यही कारण है वो मेरे सामने प्रकट होने तक कष्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो जो है भगवान धनुष लेते हैं और फिर धनुष उठा लिया और इस पर प्रत्यांचा चढ़ाकर राम ने जब अत्यंत बल के साथ धनुष की टंकार पैदा की तो धरती कांप उठी।
इसके बाद राम ने समुद्र के जल में बाण चला दिए, जिसके कारण समुद्र का जल उफन कर बहुत ऊंचा उठने लगा और समुद्र के लहरें नष्ट होने लगी और इसमें रहने वाले समस्त जलीय जीव भय से आतंकित हो उठे। तो फिर लक्ष्मण जो है थोड़ा सा पेसिफाई कर रहे हैं भगवान राम जी को। तो जो है फिर समुद्र देव बाहर निकल आए और राम के समक्ष आकर खड़े हो गए और उनके साथ मुख से अग्नि वर्षा करते हुए अनेक सर्प थे। उफनती लहरों के कारण विशालकाय घड़ियालों, कछुओं और मछलियों के समुद्र से बाहर फेंके जाने के कारण समुद्रदेव अपने तट पर आ पहुँचे। उनके पीछे पीछे गंगा और सिंधु देवियों सहित अगणित नदियों की देवियाँ भी थीं। स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित वो लाल पुष्पों की माला पहने वो लाल वस्त्र धारण किए समुद्रदेव दोनों हाथ जोड़कर राम के पास पहुँचे। समुद्रदेव के चारों ओर बादल वो वायु घेरे थे। समुद्रदेव बोले, हे महान रघु के सौम्य वंशज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश सदा सर्वदा अपने नैसर्गिक गुणों से ओतप्रोत रहते हैं। जल का एक विशाल भंडार होने के कारण नैसर्गिक रूप में मैं अलंघ्य व अगाध हूँ, इसलिए मुझे पार करना संभव नहीं है। हे राम, मात्र आपके लिए मैं यह छूट दे सकता हूँ कि आप मेरे जल को पार कर सकते हैं। यदि आप मुझ पर एक सेतु का निर्माण करें तो मैं अपनी ऊर्जा के द्वारा इसके भार को संभाल कर इसे जल की सतह पर तैरते रहने में सक्षम बनाकर आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस प्रकार बानर सैनिकों के झुंड लंका पर आक्रमण कर सकते हैं और आप अपनी प्रिय पत्नी की रक्षा कर सकते हैं। तो हम गए थे उसको, उस जगह का नाम है जहाँ पे भगवान गए थे, धनुषकोडी बोलते हैं उसको। और उस जगह में हम देखते हैं कि वो समुद्र जो है पूरा शांत है, जबकि थोड़ा सा पहले आओगे तो वहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त लहर है, लेकिन उस जगह में क्या है, समुद्र पर ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी है या कोई तालाब है, ऐसे इसी प्रकार लग रहा है। मैं वहाँ पे स्नान भी किया था अभी। तो फिर और भगवान तो ब्रह्मास्त्र निकाले हैं मारने के लिए, तो बोले कि कहाँ चलाऊँ, ये तो मैं निकाला हूँ तो मारूँगा तो कहीं पे ऐसे तो नहीं जाएगा। फिर समुद्र ने कहा, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्या नामक एक पवित्र स्थान है जहाँ पापी, चोरों, लुटेरों का अभीर नामक एक भयानक जनजाति निवास करती है। वे समुद्र का जल पीते हैं और उनके पापमय स्पर्श से मुझे घृणा होती है। हे प्रभु, यदि आप अपना शक्तिशाली बाण उस स्थान पर चलाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो भगवान ने उस और अपना बाण चला दिए। तो फिर जो है समुद्र एक उपाय भी देते हैं, कहते हैं कि ये विश्वकर्मा के पुत्र नल है, यह वास्तुशास्त्री है। तो वास्तुशास्त्री है और यह शक्तिशाली बानर आपका अनन्य भक्त है और यह अपने पिता के ही समान प्रतिभाशाली है। यह आपके द्वारा निर्मित किए जाने वाले जो पुल के निर्माण कार्य को की देखरेख कर सकते हैं। तो बोला, आर्किटेक्ट भी मिल गए है कि नहीं, आर्किटेक्ट को या इंजीनियर को जो भी है। तो जो है नल आके कहते हैं कि मेरे प्रिय भगवान, बहुत समय पहले मेरे पिता विश्वकर्मा ने मेरी माता को यह वरदान दिया था कि उन्हें मेरे पिता के समान ही प्रतिभाशाली पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यही कारण है कि मुझे विश्वकर्मा के वास्तुशास्त्री और अभियांत्रिकी संबंधी समस्त कौशल उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं यह सत्यु बनाने में पूर्णतः सक्षम हूँ। और तो इसलिए मैं पहले नहीं कह रहा था क्योंकि कोई मुझे पूछा ही नहीं था, अपने बारे में क्या कहूँ पहले,
अपना डिग्री थोड़ी दिखाऊं कि मैं ये कर सकता हूं करके। तो फिर जो है तो निर्माण कार्य शुरू हो गया। 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़ा था सेतु। तो पहले दिन 14 योजन पुल निर्मित किया गया, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन में 21 योजन और चौथे दिन में 22 योजन और पांचवें दिन में पुल जो है बनकर तैयार हो गया। बोले श्री आवर रामचंद्र की। तो लंकाद्वीप में स्थित सुबेल पर्वत के पास उत्तरी समुद्र तट पर पहुंचने के बाद बानरगण विजय भाव से चिल्लाए, सुग्रीव ने तंबू लगवाए और तब सभी महान देवगण ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने वानर राज सुग्रीव को पवित्र नदियों के जल में स्नान कराया और उन्हें विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तो मंदोदरी जो है वो जानती है कि भगवान राम के बारे में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तो वो कहती है रावण को, नाथ बयोरो की जे ताहि सो बुद्धि बल सकी जीती जाहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर केसा खलु खद्योत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैटभ जहि मारे महावीर दीति सुत संघारे। अति बल मधु कैठब जहि मारे महावीर दीति सुत संघारे। जहि बलि बांधि सहज भुज मारा सोई अब तेरहु हरन महि भारा। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागे। मुनिवर जतनु करहि जहि लागी भूप राज तजि होहि विरागी। कोसलाधीश रघुराया आयो करन तुहि परदाया। जो पिय मानहु मर सिखावन सुजस होई तिहु पुरति पावन। तो मंदोदरी समझा रही है रावण को, कह रहे हैं कि बैर तो उसके साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके, और आप और रघुनाथ जी में
अंतर कैसा है, जैसे एक जुगनू और एक सूर्य। मतलब कह रहे तुम आप तो जुगनू हो और भगवान राम क्या है, सूर्य है, तो इसमें तुलना क्या है। और कह रही है कि जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटब को मारे हैं और महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया है, जिन्होंने बलि को बांधा और सहस्रबाहु को मारा, वे ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है, और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। मंदोदरी कह रही है उनको सौंप के और वनवास ले लीजिए और रघुनाथ जी का ही भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके हैं, आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन मतलब बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए, और जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कोसलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। इस प्रकार मंदोदरी समझा रही है। तो रावण कहता कि हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, और मेरे समान कोई योद्धा है? तो इस प्रकार वो ना सुन के फिर वो चला जाता है। तो वहाँ पे जब पहुँच गए तो भगवान राम लक्ष्मण को गले लगाकर कहा, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा दायित्व है कि सेना सदैव सचेत रहे। मुझे अपशगुन के लक्षण यह भविष्यवाणी करते देख रहे हैं कि बानरों भालुओं और राक्षसों के अनेक पराक्रमी शूरवीर मृत्यु को प्राप्त होंगे। जरा देखो तो भयानक हवाएं किस तरह धूल के बवंडर उठा रही है, बीच बीच में धरती कांप रही है और काले बादलों से रक्त की वृष्टि हो रही है। तो हे लक्ष्मण, मेरे विचार में हमें तत्काल सैन्य अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब पहुंच गए हैं लंका में तो फिर राम ने कहा कि ये सुख जो बंधे हुए थे इसको छोड़ दो, तो सुख को छोड़ दिया गया। तो सुख जो है जाता है, रावण के पास जाता है, तो रावण पूछता कि ये किसने किया। तो जब उसने कहा कि मैंने जब सुग्रीव को सुनाया, ये संदेश सुनाया, और बहुत मारे पीटे मुझे कुछ बानर ने, और सारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो बेहतर यही तो है कि आप जो है सीता को वापस लौटा दीजिए। तो रावण ने कहा, मैं सीता को नहीं लौटाऊँगा और मैं सबको वध कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम और सारण बानरों का वेश धारण करके गुप्त रूप में शत्रु के सेना के अंदर घुस जाओ और उनकी शक्ति का अनुमान लगाओ। तो सुख और सारण दोनों आज्ञा पालन करते हुए उस स्थान पर गए जहाँ पे बानर तंबू लगाया गया था। और तो दोनों गुप्तचर जो है
वो आकलन नहीं कर पाए क्योंकि इतना समुंदर है बानरों का, इतना समुंदर जैसा है, तो उन मतलब वो कुछ क्या कहेंगे जाकर। तो और उनको जो है पकड़ लेते हैं, तो फिर पकड़ के फिर राम जी के पास ले आते हैं। तो राम कहते हैं कि यदि तुमने हम अपना कार्य पूरा कर लिया है तो तुम लोग इसी समय रावण के पास लौट सकते हो, परंतु यदि तब अभी भी नहीं किया है तो और भी कर लीजिए, और भी देख लीजिए कितना है। कल प्रात काल के समय मैं और मेरी बानर सेना लंका नगरी पर आक्रमण करेगी और सभी राक्षसों का संहार कर देगी। बोले श्री रामचंद्र की। तो शुक और सारण भगवान जी को नमन किए और बोले, ईश्वर आपको विजयी बनाए। तो इसी प्रकार जो है दूसरे दिन हुआ, और फिर जो है तो सारण जाके वो बोलता है कि बहुत सुंदर बोलता है, पता कि 100,000 को 1,00,000 बोलते हैं और 100,00,000 को 1,00,000 बोलते हैं, और 1,00,000 करोड़ को 1 शंख बोला जाता है और 1,00,000 शंख को 1 महाशंख बोला जाता है, 1,00,000 महाशंख को वृंद और 1,00,000 वृंद को महावृंद कहा जाता है, 1,00,000 महावृंद को पद्म और 1,00,000 पद्म को महापद्म कहा जाता है, और 1,00,000 महापद्म को खर्ब और 1,00,000 खर्ब को महाखर्ब कहते हैं, 1,00,000 महाखर्ब को समुद्र तथा 1,00,000 महासमुद्र को ओघ कहते हैं, और 1,00,000 ओघ को महाओघ कहते हैं। और इस प्रकार सारण ने बताया बानरों की सेना कम से कम 100 करोड़ महाओघ सैनिक है। जय श्री राम। तो फिर रावण जो है पानी मांगता है पीने के लिए। तो रावण कहता है कि तुम लोग मेरे मंत्री हो पर तब भी तुम शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हारी वाणी बहुत कटु है, तुम दोनों ही मूर्ख हो, तुम लोगों को राजनीति शास्त्र का बिल्कुल ज्ञात ही नहीं है। बोले ऐसे नहीं, अगर सही जानते भी थे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, ऐसे कहने का मतलब है ना। और क्योंकि तुमने बहुत सेवा किए हैं इसलिए मैं तुम्हें बध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बध कर देता तुम्हारा, ऐसे रावण कह रहा है। तो फिर रावण जो है एक और महोदर था गुप्तचर, उसको भेजा, आदेश दिया कि तुम जाओ। और तो वो लोग आके बोले कि वानर सेना ने सुबेल पर्वत के पास डेरा डाल रखा है, परंतु इसकी जासूसी करना संभव नहीं है, हमारे वहाँ पहुँचते ही विभीषण ने हमें पहचान लिया, राम की कृपा से ही हम यहाँ जीवित लौट आए हैं। हे राजन, ऐसा जान पड़ता है कि राम न केवल समस्त राक्षसों का संहार करने में समर्थ है बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी नष्ट करने में समर्थ है। इसी प्रकार वो भी आके दे रहे हैं, मतलब धीरे धीरे रावण का जो है मोरल धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो फिर जो है रावण कहता है कि ठीक है, आ तो गए हैं, अगर हम सीता को कैसे भी करके कन्विंस कर लेते हैं, सीता अगर अपनी हो जाती है तो फिर युद्ध की कोई संभावना है नहीं। तो रावण जो है वहाँ के पहरेदार करने वाली एक राक्षसी को विद्यु जिह्वा को बुलाने के लिए भेजा, और एक ही क्षण में वो मायावी जादूगर राम का नकली सिर, वो एक धनुष तथा एक बाण लेकर पहुँच गया। रावण बोला, देखो अपने पति के रक्त रंजित सिर को देखो।
जो है सीता जी को जाके दिखा रहा है। विद्यु जिह्वा की ओर देखकर रावण बोला, राम का कटा हुआ सिर सीता को दो, उसे अपने मृत पति के अंतिम अवशेष को देख लेने दो। रावण का आदेश पालन करते ही विद्यु जिह्वा ने वो मायावी सिर सीता के चरणों पर रख दिया और तत्काल वहाँ से चला गया। रावण ने मायावी धनुष लिया और इसे सीता के सामने फेंककर आदेश देने वाले स्वर में बोला, अब कोई आशा नहीं बची है, इसलिए मेरे सामने समर्पण कर दो। तो फिर जो है सीता माता जो है वो चीख उठी और पहले तो कैकेयी को बोली कि आपके कारण ये सब हो रहा है, और फिर रोई जा रही थी और फिर जो है फिर रावण की ओर मुड़कर सीता बोली, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ राम का शरीर पड़ा हुआ है। जब मैं उनके शरीर पर लेट जाऊँ तो तुम मुझे भी मार सकते हो, और ताकि मैं अपने पति के पास पहुँच सकूँ। तब जो है एक दूत आकर रावण को सूचना दी कि प्रहस्त एक अत्यावश्यक कारण से बुला रहा है, तो रावण जो है उस जगह को छोड़कर चला जाता है। तो विभीषण की पत्नी शर्मा वो अशोक वाटिका में सीता को सांत्वना देने आई। शर्मा ने रावण के आग्रह पर सीता से पहले ही मित्रता कर ली थी, क्योंकि रावण को संदेह था कि अत्यधिक दुख के कारण कहीं सीता असमय में मृत्यु ना हो जाए। तो उसने कहा कि मैं एक साड़ी के पीछे छुपी थी, इसलिए यहाँ घटित हो रही सारी घटनाएं देख और सुन पा रही थी। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि राम मरे नहीं है, और सच तो यह है कि राम लंका पहुँच चुके हैं और उनके साथ लक्ष्मण और बानर का एक विशाल सेना आया हुआ है। इस समय वे रावण पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, यही कारण है राक्षस राज जो है अचानक यहाँ से चले गए। तो सीता माता जो है फिर चैन की सांस लेती है। तो उसके बाद माल्यवान एक जो है वो मंत्री था, तो वह आके जो है समझाता है कि आप जो है सीता को वापस कर दीजिए, क्योंकि अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार हमें लग रहा है कि हम हार जाएंगे, नाश हो जाएगा। और वो बोलता है कि हे रावण, मेरे विचार में राम जो है स्वयं भगवान विष्णु के मानव अवतार है। तो फिर उसको फटकारता है रावण जो है उसको फटकारता है, बोलता है कि चुप रहो, और इसी प्रकार जो है वो लौट जाता है। रावण ने प्रहस्त को पूर्वी द्वार पर, महापार्श्व ओ महोदर को दक्षिण द्वार पर, इंद्रजीत को पश्चिम द्वार पर, और शुभ और सारण सहित स्वयं को उत्तरी द्वार पर, और विरूपाक्ष को नगर के मध्य में नियुक्त करके लंका की प्रतिरक्षा करने की व्यवस्था कर दी। चारों तरफ से उसने अपना सेनापति रख दिया। तो विभीषण बोले, मैंने अपने मंत्रियों अनल, संपत, पानस और प्रमति के साथ पक्षी का रूप धारण करके रावण के सैन्य अवस्था सर्वेक्षण किया है। मेरे प्रिय राम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह बहुत समय पहले रावण ने 60 लाख राक्षसों के साथ लंका पर आक्रमण करके कुबेर को पराजित किया था, उसी प्रकार आप भी इन बानरों के दल की सहायता से अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। तो फिर वो जो है भगवान राम आदेश देते हैं कि नील जो है पूर्वी द्वार पर प्रहस्त के विरुद्ध होने वाले आक्रमण का नेतृत्व करेंगे, अंगद दक्षिणी द्वार पर महापार्श्व और महादौर के साथ जो है होने वाले युद्ध का नेतृत्व करेंगे, पश्चिम द्वार पर
आक्रमण का नेतृत्व हनुमान करेंगे। लक्ष्मण और मैं उत्तरी द्वार पर रावण से युद्ध का नेतृत्व करेंगे। सुग्रीव तथा जामवान विभीषण हमारी सेना के मध्य में रहेंगे और जिस स्थान पर सहायता की आवश्यकता होगी वहाँ पे वो सहायता प्रदान करेंगे। मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मण, विभीषण और विभीषण के चार मंत्री, मैं अर्थात केवल हम सात लोग ही मानव रूप में युद्ध करें, अन्य सभी अपने वानर रूप में रहे ताकि हम आसानी से उन्हें राक्षस से अलग करके पहचान सके। तो इस प्रकार युद्ध का हो गया और फिर जो है जाके वे देखते हैं तो चार दीवारों से घिरी ये नगरी 20 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी थी और इसके बीच बीच 1000 स्तंभों के ऊपर खड़ा रावण का अत्यंत सुंदर राजमहल स्थित था। तो सुग्रीव जो है क्या किए कि ऐसे उनका मन हुआ, मतलब वो छलांग लगाकर लंका के पास पहुँच रावण के पास पहुँच गए और सुग्रीव ने अनेक बानरों को एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने और लंका नगरी के बाहरी उद्यानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। तभी सुग्रीव ने भी रावण को देखा और तत्क्षण ही वो सुबेल पर्वत से छलांग लगाकर राक्षस राज के आसन के सामने पहुंच गए। अत्यधिक घृणा से रावण को कुछ क्षण तक देखने के बाद सुग्रीव ने घोषणा की, मैं भगवान राम का एक सेवक हूं और आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। उत्साह तो यह कहकर अचानक ही रावण जो है पर छलांग मारी उन्होंने और उसके राज मुकुट को उसके सिर से नीचे गिरा दिया। रावण हालांकि चौंक गया था परंतु उसने किसी तरह सुग्रीव को पकड़ लिया और फिर उसने भी उसी प्रकार सुग्रीव को धमकाते हुए वानर राज को जमीन पर पटक दिया। परंतु सुग्रीव रबर की गेंद के समान उछलकर वापस लौट आए और रावण को पकड़कर पूरी शक्ति के साथ उसे जमीन पर पटक दिए। तो इस प्रकार जो है दोनों के भयानक द्वंद्व युद्ध चला दोनों के बीच में। और तो रावण समझ गया कि शारीरिक शक्ति के बल पर ये सुग्रीव को पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए उसने अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। यह देखकर सुग्रीव ने युद्ध छोड़ने का निर्णय ले लिया, जैसे ही रावण जो है मायावी शक्ति किया और फिर भगवान राम जी के पास आए तो बोले कि ये सही नहीं था, हैं आप जो है बहुत जल्दबाजी से काम लिया क्योंकि आपको ऐसा कार्य मेरी अनुमति के बिना नहीं करनी चाहिए, भगवान राम ऐसे सुग्रीव से बोले। तो फिर जो है राम ने उत्तरी द्वार के बाहर की स्थिति संभाल ली, नील ने पूर्वी द्वार के बाहर मोर्चा संभाला और अंगद ने दक्षिण द्वार के बाहर मोर्चा लिया और हनुमान जो है पश्चिम द्वार की ओर बढ़े। तो इसी बीच में जो है भगवान सोचे कि एक काम करते हैं, अंगद को मतलब किसी को भेजते हैं, एक बार उसको मौका देते हैं कि युद्ध से पहले उसको जो है मौका देते हैं। तो इसी प्रकार वो किसको भेजेंगे ऐसे चल रहा है। तो फिर सोच रहे हैं कि हनुमान जी को भेजे, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं है ना, हनुमान जी पहले गए थे तो हनुमान जी जाएंगे तो उनको लगेगा कि हनुमान जी ही सिर्फ एक ही है, तो इसलिए किसको भेजा जाए, अंगद को भेजा जाए। तो अंगद जो है, अंगद जैसे ही अंदर घुसते हैं दो चारों को मारते हैं तो पहले तो राक्षस लोग हनुमान जी से भय पा गए थे तो इसी कारण वो सब छोड़ देते हैं, मतलब एकदम सब दौड़ने लगते हैं, कहते हैं कि प्यारे
फिर वो कोई बानर आ गया पता नहीं, फिर जला डालेगा, मार डालेगा, तो सो छोड़ देते हैं। फिर अंगद जी जो है वो जाके क्या करते हैं, जाके जो है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो जो है राज दरबार में पहुँच जाते हैं और पहुँच के जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद फिर बहुत मतलब बहुत एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अंगद भी उसको बोलते हैं, है ना, और वो भी जो है वो भी अंगद को बोलता रहता है। तो बहुत प्रकार के, है ना, तुम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। अंगद कहता है कि तू कौन सा रावण है जो एक बार बलि के पास गया था, बलि ने जो है उसको, है ना, बांध के रखा था, तू वही रावण है या तू वो रावण है जो कि मेरे पिताजी ने कांख के नीचे दबा के कई बार घुमा था, तू वही ना वही रावण है। तो इस प्रकार कहते कहते लेकिन जो है रावण भी बोलने लगता है। तो करते करते तो क्या होता है कि फिर अंगद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कंडीशन देता हूँ कि मैं अपना पैर जमा रहा हूँ और अगर कोई ये पैर को हिला दे तब जो है मैं ये घोषणा करता हूँ कि राम जो है लंका छोड़ के चले जाएंगे, बिना सीता को लेकर लेते हुए छड़े चले जाएंगे। तो इसी प्रकार अपना अंगद जो है अपना पैर जमा देता है और सब जो है जाते हैं उसको ट्राई करते हैं उसको हिलाने के लिए, लेकिन कोई हिला नहीं पाता है उस पैर को। तो सबका मोरल डाउन हो जाता है और इंद्रजीत भी जाता है, वो भी नहीं कर पाता है कुछ। फिर आखिर में क्या होता है कि जो है वो जाते हैं, रावण जाता है और जाके जैसे ही पकड़ने लगता है कहता है कि मेरे पैर पैर पकड़ के क्या होगा, इससे बढ़िया तो राम के चरण पकड़ ले। इसी प्रकार कह के उसका मुकुट जो है, सभी मुकुटों को वो क्या करता है कि ऐसे मारता है और सारे मुकुट जो है वो आके भगवान राम के चरणों में गिरते हैं और फिर जो है वहाँ से वो आ जाता है और जो है रावण का मोरल बहुत डाउन हो जाता है। तो फिर जो है युद्ध शुरू हो जाता है, तो शुरू हो जाता है तो फिर इंद्रजीत जो है आता है, आके क्या करता है कि जो है वो सर्प, है ना, जो है सर्प से बांध देता है भगवान जी को, जो है वो सर्प से बांध देता है। तो बांध देता है तो राम लक्ष्मण दोनों जो है मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शिव जी कह रहे हैं, उमा करत रघुपत नरलीला खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला। भुकुटी भंग जो काल ही खाई ताहि के सोहई ऐसी लराई। जग पावन कीर्ति विस्तरी है गाई गाई भवनी देनर दरी है। सब लोग बोलिए राम सिया राम सिया राम। मुरछा गई मारुत सुत जागा सुग्रीव ही तब खोजन लागा।
तो शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। हैं, कभी कभी गरुड़ जो है सांप के साथ ही खेलते हैं, है ना, सांप चला जाता है फिर उसको खींच लेते हैं, फिर चला जाता है उसको खींच लेते हैं। जो भौवें के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान अगर ऐसे भी कर देंगे तो काल को भी खा जाएंगे। क्यों कर रहे हैं? भगवान जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। तो ये क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि क्या होगा, ये जो कीर्ति है, कीर्ति फैलेगा और लोग जो है गा गा कर क्या करेंगे, ये भव सागर से तर जाएंगे। हरे जय श्री राम। बातें बंद करिए, यहाँ पे कथा सुनने आए हैं, कथा करने नहीं। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव कहते हैं कि ये तो कीर्ति बढ़ाने के लिए जो है भगवान ऐसे कर रहे हैं। तो जब ये बात जो है सीता माता के पास पहुंचता है तो सीता माता भी बहुत दुखी हो जाती है और फिर त्रिजटा जो है वो कहती है कि आप आश्वस्त रहे, राम और लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है, हैं? और जो है तो इस प्रकार जो है उसको सांत्वना देती है। तो आगे फिर सुषेण कहता है कि प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें दैत्यों ने मायावी शक्तियों के जरिए अनेक देवताओं का वध कर दिया था, परंतु मंत्रों व विशेष औषधियों जड़ी बूटियों की सहायता से बृहस्पति देव मृत देवगणों को जीवित करने में सफल रहे हैं। और हाँ, बीच में क्या होता है कि इंद्रजीत जो है वो क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी को, है ना, मूर्छित कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गए हैं, मतलब चले गए हैं। तो फिर वो ये सुषेण को बुलाया जाता है जो कि वैद्य था, तो वो कहता है कि मेरा सुझाव है पनस और संपत्ति खीर सागर जाए, और क्योंकि वहाँ वे संजीव कारणी और विशल्य नामक जड़ी बूटियों से परिचित है। ब्रह्मा जी द्वारा सृजित संजीव कारणी जड़ी बूटी से मृत व्यक्ति में भी प्राण संचार हो जाती है। ये जड़ी बूटियाँ चंद्र और द्रोण पर्वतों पर मिल सकती है। ये पर्वत खीर सागर के मध्य में है और ये वहाँ पर सागर मंथन से अमृत निकालने के कारण उभरे थे। तो संभवतः हनुमान जी को वहाँ जाना चाहिए। तो फिर जो है एक बोलते बोलते जो है हनुमान जी निकल गए और तो हनुमान जी निकल गए तो जाने के बाद जो है क्या हुआ कि काल नेमी एक था जो है रावण का अनुचर था, तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि ऐसा है, देखो हनुमान गया है तो तुम एक काम करना, जाके जो है बीच में उसको बाधा डालना या उसको भटका देना। तो काल नेमी जो है वो वहाँ पहुँच जाता है। काल नेमी जानता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आप कह रहे हैं तो जाता हूँ। तो काल नेमी जाता है और जाके जो है वहाँ पे क्या करता है, वहाँ जो है एक साधु के रूप में रहता है। और हनुमान जी जब जाके पहुँचते हैं वहाँ पे तो कहता है कि जाओ तुम पानी में स्नान करके आओ, फिर उसके बाद तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। तो हनुमान जी जो है
जैसे ही पानी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पे एक मगरमच्छ रहता है और वो उनको अटैक करता है, तो हनुमान जी उसको मार देते हैं। तो मार देते हैं तो फिर वो मगरमच्छ जो है ना, वो खुद कहता है कि वो एक देवी के रूप में प्रकट होती है और वो कहती है कि ऐसा है, ये जो साधु है ये साधु नहीं है, ये कालनेमी है। तो फिर हनुमान जी समझ जाते हैं। तो हनुमान जी जब जाते हैं तो फिर वो कालनेमी कहता है कि बैठो, बैठ के जो है बैठो, मैं दीक्षा दूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं पहले मैं दक्षिणा दूंगा, उसके बाद दीक्षा लूंगा। तो फिर उसको पटक पटक के उसको मार देते हैं। और फिर जो है वहाँ से जो है विशल्यकरणी वो लेकर आते हैं और लक्ष्मण जो है वो है ना जी जाते हैं। तो इसके बाद फिर जो है युद्ध शुरू होता है और तो युद्ध होता है तो धीरे धीरे सब मरते रहते हैं। तो फिर रावण जो है कुंभकर्ण के पास जाते हैं और तो उस समय जो है कुंभकर्ण सोया हुआ रहता है, तो फिर कुंभकर्ण को जगाते हैं, बहुत प्रयास करके उसको जगाते हैं और जगाने के बाद फिर कुंभकर्ण जो है जाता है और जाता है तो बहुत ही जो है परेशान कर देता है बानरों को, है ना, बहुत बानरों को खा जाता है और चलता है। तो फिर जो भगवान राम कहते हैं ये है कौन, तब तो विभीषण उनको समझा देते हैं कि ये विश्रवा ऋषि का पुत्र कुंभकर्ण है, ये सभी राक्षस में सबसे विशाल है और उसने मृत्यु देव के देवता यमराज तक को भी परास्त किया है। तो इस प्रकार जो है करने के बाद फिर वो बताते हैं कि कैसे जो है तीनों हम तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते और जो है इसको इंद्रासन चाहिए था और जब इसको ब्रह्मा जी बोले कि तुझे क्या चाहिए, तो उस समय सरस्वती जी इसके जो है कंठ में बैठकर कहलवा देती है कि मुझे निद्रासन चाहिए। तो ब्रह्मा जी तुरंत बोल दिए तथास्तु। लेकिन फिर रावण जब वो किया तो फिर ब्रह्मा जी बोले कि तुम 6 महीने तक सोगे, बस 1 दिन के लिए जगोगे, है ना, और उस दिन तुम जाओ जो भी है खा सकते हो, जो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है बोलते हैं। तो इसी प्रकार बहुत जो है युद्ध होता है, बहुत परेशान करता है। कई बार एक बार सुग्रीव को जो है लेकर चला गया, फिर सुग्रीव जो है कैसे करके उसके आंखें वाँखें कान वान काट दिए, फिर छोड़ दिया। तो बहुत उत्पात मचा आता है। और फिर भगवान जो है क्या करते हैं कि पहले उसका एक हाथ काटते हैं, फिर दूसरा हाथ काटते हैं और फिर जो है उसको ये उसका सिर काट कर रावण के पास ही भेज देते हैं। तो रावण के पास पहुंचता है तो रावण जो है बहुत दुखी हो जाता है और उसका साहस और मोरल और डाउन हो जाता है जब कुंभकर्ण जो है मर जाता है। तो फिर उसके बाद जो है बहुत बड़ा है, मतलब युद्ध जो है चल रहा है ना, मतलब एक एक करके वर्णन किया गया है। तो जैसे रावण ने सहन नहीं कर सका और अपने सिंहासन पर ही लुढ़क कर अचेत हो गया जब सुना कि कुंभकर्ण मर गया है। फिर उसने एक पुत्र उसका था त्रिशिर, वो आया तो रावण ने कहा कि कुंभकर्ण के बिना तो मेरा जीना व्यर्थ है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि मैंने अपने धर्मात्मा भाई विभीषण की अच्छी सलाह तक नहीं मानी। अब पश्चाताप कर रहा है कि विभीषण की सलाह मान लेना चाहिए था। फिर जो है रावण का एक पुत्र त्रिशिर ने बोला, मेरे प्रिय पिता कृपा करके इस प्रकार से विलाप ना करें,
मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ और मेरे पास ब्रह्मा जी से मिले अस्त्र शस्त्र भी है, त्रिशीर मतलब उसका भी तीन शीर था, और तो मैं भी जो है मेरे पास भी बहुत मायावी शक्ति है। तो इस प्रकार वो भी जाता है, वो जाके बहुत जो है उसका भी लड़ाई होता है, और करते करते तो हनुमान जी जो है त्रिशिर के बीच में युद्ध होता है। तो फिर उसके बाद त्रिशिर के लिए यह असह्य था, वो तेजी से उछला और उसने हनुमान के सीने पर जोरदार मुक्का मारा। हनुमान ने क्रोध से भरकर त्रिशिर की तीन गर्दनों में से एक को पकड़ लिया और फिर उसी की तलवार से एक एक करके उसके तीनों सिरों को काट डाले। ये देखकर बानरगण विजयोल्लास से चिल्लाए, परंतु तभी ऋषभ की चुनौती सुनकर महापार्श्व ने अपना लोहे का मुदगर उठा लिया। महापार्श्व ने अपने मुदगर से ऋषभ के सीने पर चोट की, जिसके कारण वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, परंतु ऋषभ तत्काल उठकर खड़े हुए और महापार्श्व पर धावा बोलते हुए उन्होंने अपने मुक्के से उसके सीने पर जोरदार वार किया। इस भयानक वार के कारण अपने ही रक्त से नहाया हुआ वो राक्षस नीचे गिर पड़ा। तो इस प्रकार ये महापार्श्व भी जो यहाँ पे उसका भी मृत्यु हो गया। और फिर जो है फिर वो आता है, उसका नाम है अतिकाय। अतिकाय आता है, फिर मतलब जो भी आता है उसको विभीषण क्या करते हैं, पहचान करा देते कि ये कौन है, है ना। तो विभीषण कहते हैं कि ये जो है राक्षस रावण वो धन्य मालिनी का पुत्र है, इसका नाम है अतिकाय। कठोर तपस्या करने के बाद इसने ब्रह्मा जी से असाधारण शक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त किया है। मेरे प्रिय राम, अतीत में हुए युद्धों में यह अतिकाय स्वर्ग के राजा इंद्र के वज्र का और वरुण के पास का सामना करने में सफल रहा, इसलिए आप इसे तत्काल मार डाले, अन्यथा शीघ्र ही यह बानरों को की संपूर्ण सेना को नाश कर देगा। तो फिर जो है लक्ष्मण के धनुष टंकार सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, परंतु विचलित हुए बिना उसने एक बाण निकालकर लक्ष्मण से कहा कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए बड़े होने तक रणभूमि से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। क्या तुम्हें अपने प्राणों की मोह नहीं है जो तुम मूर्खता दिखाते हुए मेरे सामने आए हो? तो फिर लक्ष्मण जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है। और उसके बाद जो है फिर उसको जो है लक्ष्मण जी हैं उसको मार देते हैं। अतिकाय की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण अत्यधिक दुखी और अवसादग्रस्त हो गया। निराशा से भय कर उसने विलाप करना आरंभ कर दिया, बोला, राम और लक्ष्मण अपराजय और अदम्य शक्तिमान है, वे पहले ही मेरे श्रेष्ठतम योद्धाओं का वध कर चुके हैं। अब मेरी समझ में आ गया है कि राम मानव के रूप में स्वयं भगवान नारायण है। अभी सोच रहा है, यद्यपि मुझे पहले भी इस बारे में सूचना मिली थी, परंतु तब मुझे यह लगा था कि यह कायरों और पागलों की बात है। अब भला राम को कौन पराजित कर सकता है? और इस प्रकार जो है तो उस करके फिर जो है वो इंद्रजीत बोला कि आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ है ना आपको मैं है ना आपको मैं सुरक्षा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। तो फिर इंद्रजीत क्या करता है कि एक यज्ञ करने जाता है। इंद्रजीत जो है वो एक यज्ञ करने जाता है और उसका खबर विभीषण को पहुंच जाता है। तो विभीषण कहते हैं कि देखो, अगर इंद्रजीत जो है वो अगर युद्ध वो यज्ञ कर लिया तो फिर क्या होगा कि उसको जय करना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर
भगवान राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं, कहते कि लक्ष्मण तुम जाओ, हनुमान वगैरह सबको कहते कि तुम जाओ और जाके जो है थोड़ा ध्यानपूर्वक थोड़ा केयरफुली उसको मारना पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार कहते हैं। और तो फिर जो है जाकर वो वहाँ पे उसका यज्ञ भंग कर देते हैं, फिर भी वो बैठ के ध्यान में लगा रहता है और फिर जो है उसको खींचते हैं, फिर वो युद्ध करता है और करते 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 लक्ष्मण जो है उसका फिर उसका जो है वध कर देते हैं। तो और इस प्रकार इंद्रजीत का जो वध हो जाता है, तो विभीषण भी गए थे वहां पे, तो फिर जो है इंद्रजीत जब वध हो जाता है तो रावण जो है बहुत ही और फिर उसका मोरल फिर डाउन हो जाता है। तो कुछ पुण्यात्मा मंत्री वो क्या किए कि रावण को समझाए कि हे स्वामी, आपने वेदों का अध्ययन किया है और सबसे कठिन व्रत लिए हैं, भला आप एक स्त्री का वध करने का हाँ वो जो है ना ये रावण जाता है कहता कि ये मैं जो है क्या करूँगा, अब जो सीता का वध कर दूँगा जाता है, तो फिर उसको कुछ समझाते हैं कि ना आपको ना ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, जो है एक स्त्री का वध करना नहीं चाहिए। तो फिर जो है रावण खुद निकलता है, तो रावण निकलता है तो 100,000 रथ सवार योद्धा, 300,000 हाथी सवार योद्धा और 6 करोड़ घुड़ सवार और अगणित पैदल सैनिक एकत्रित करके रावण जो है जाता है। और जाने के बाद एकदम जो है फिर युद्ध आरंभ हो जाता है। और फिर जो है भगवान विभीषण सोचते हैं कि भगवान जो है भगवान के पास कोई रथ नहीं है और रावण के पास रथ है, तो इसलिए विभीषण भगवान जी को कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केही विधि जीतब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होइ सो चंदनाना, तो विभीषण कहते हैं कि हे नाथ, आपके ना तो रथ है, न तन की रक्षा करने वाले कवच है और न जूते हैं, और वो बलवान हैं वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है, ये रथ और जूता ये सबसे जय नहीं होती है। तो फिर कह रहे हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम पर ही तो घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, राम जय जय राम।
इस भजनु सारथि सुजाना बिरति चरम संतोष को पाना। ओ दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल चल मन त्रोण समाना समझम नियम सिली मुख नाना। कवच भेद विप्र गुरु पूजा यही सब विजय उपाय न दूजा। तो भगवान कह रहे हैं शौर्य और धैर्य ये रथ के पाहिये हैं, सत्य और शील अर्थात सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल और अचल मन तर्कस के समान है, शम जो मन का वश में होना, अहिंसादि यम और नियम ये बहुत सारे बाण हैं, ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। विभीषण को समझा रहे हैं भगवान। तो शिव जी जो है कह रहे हैं पार्वती माता को, सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। हम हुमा रहे ते ही संगा देखत राम चरित रन रंगा। शिव जी कह रहे हैं कि कौन कौन युद्ध देख रहे थे, कह रहे ब्रह्मा आदि देवता अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे थे। और शिव जी कहते हैं हे उमा मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला को देख रहा था मैं भी खुद देख रहा था। तो इस प्रकार जो है युद्ध चल रहा है, तो बहुत युद्ध होता है रावण और भगवान राम जी के बीच में, और तो भगवान राम जो है कई बार उसका सिर को काट देते हैं, उसका भुजाओं को काट देते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो जो है बार बार वो जुड़ जाता है। और तो इस प्रकार जो है करते करते जो कुछ देवता वो आए तो वो स्तुति करने लगे भगवान जी को, और
हाँ, तो ऐसे करते करते जो है इंद्र, उन्होंने जो है वो कहे कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अपना रथ को भेजे, अपना रथ और घोड़ा सारथी सब इंद्र भेजे, तो फिर युद्ध जो है चलने लगा। तो इस प्रकार चलते चलते बहुत जो है लड़ाई हुआ, कभी सुग्रीव के साथ हो रहा है रावण का लड़ाई, कभी हनुमान जी के साथ हो रहा है, और तो बहुत प्रकार के लड़ाई हुआ। एक बार तो जो है रावण जो है मूर्छित हो गया, जैसे मूर्छित हो गया उसके सारथी ने क्या किया, उसको लेकर वापस चला गया। जब उसका मूर्छा भंगा तो वो कहता है कि अरे तो कायर, तू जो है मुझे युद्ध क्षेत्र से कैसे लेकर आ गया? तो उसने कहा कि ना, आपको बचाना मेरा धर्म था। और फिर दूसरे दिन जो है फिर वो जाता है, और तो करते करते जो है, लेकिन देवता लोगों को सहा नहीं जा रहा है, भगवान तो खेल रहे हैं, तो देवता लोग कह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है, थोड़ा इसको मार दीजिए ना, आप कितना खेलेंगे। और फिर सीता माता के पास जब खबर पहुंचता है तो सीता माता कहती है कि ऐसा कैसा है कि मेरा दुर्भाग्य है क्या, रावण क्यों नहीं मर रहा है? तो वहाँ पे वो त्रिजटा कहती है कि रावण के हृदय में आप बसे हुए हो, रावण जो है हमेशा आपकी चिंतन कर रहा है, इसलिए भगवान राम जो है उसके हृदय को मार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय में आप बसे हुए हो और आपके हृदय में वो खुद बसे हुए हैं, और उनके हृदय में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, और इसी कारण जो है वो मार नहीं पा रहे हैं। तो वो मार रहे हैं, लेकिन जिस समय रावण का हृदय से आप थोड़ा सा भी हट जाओगे तो उसी क्षण जो है वो हृदय को ही मारेंगे। तो इस प्रकार वहाँ पे वार्तालाप होता है। और फिर जो है कुछ कुछ आते हैं देवता लोग आते हैं, कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि आते हैं, और अगस्त्य ऋषि आके कहते हैं कि मेरे प्रिय भगवान राम, कृपा करके मुझसे आदित्य हृदय प्रार्थना स्वीकार करें जो सूर्य देव को संतुष्ट करने वाली है। इस मंत्र से पहले महान आशीर्वाद मिलता है, और यह मंत्र व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है, और वो सदा सर्वदा धर्म के पथ पर चलता रहता है। तो ये प्रार्थना इस प्रकार है, हे सूर्यदेव, मैं आपको नमन करता हूँ, आप सभी देवों में सर्व प्रमुख है, क्योंकि आपके असीमित प्रताप से ही संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। देवता और असुर दोनों ही अपने श्रेष्ठ कल्याण की कामना से आपकी आराधना करते हैं। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भंडार है और सभी जीवधारियों के जीवन का स्रोत है। इस प्रकार आप परमेश्वर विष्णु के पराक्रमी विस्तार के रूप में उनका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक आराधना का ज्ञान रखने वाले पुरुष स्वयं में स्थित भगवान नारायण के रूप में प्रतिदिन 3 बार आपकी स्तुति करते हैं। केवल आप ही इस ब्रह्मांड के गहन अंधकार का नाश करते हैं, इसलिए हे प्रतापी भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ। हे परमेश्वर के नेत्र और जगत के समस्त कार्य व्यापार के साक्षी देव, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। तो फिर कहते हैं कि ये आपको करना चाहिए। और तो फिर उसके बाद जो है फिर वो युद्ध शुरू होता है। और जब युद्ध शुरू होता है तो बार बार उसका सिर काट रहे हैं और उसका हाथ काट रहे हैं। तो फिर जो है विभीषण आके कहते हैं कि अब जो है ना, आपको लेट नहीं करना चाहिए, और आप जो है क्या कीजिए, उसके नाभि को मारिए, क्योंकि उसके नाभि में ही जो है क्या है, वो शक्ति है।
तो भगवान क्या करते हैं कि कई बाण चलाते हैं, और वो बाण चलाते हैं तो उस बाण में कई उसका सिर भी कटता है, और कटते एक जो है बाण चलाते हैं, जो कि बाण जो है वो क्या होता है कि उसके उसके नाभि में लगता है, और जैसे ही वो नाभि में लगता है तो फिर वो गिर जाता है, तो गिर जाता है तो पूरा पृथ्वी हिल जाता है, और फिर जो है उसके बाद मंदोदरी आती है, आके जो है उसको रोती रहती है, उसके सामने बैठकर रोती रहती है, और फिर भगवान जो है देवता लोग आते हैं बीच में, देवता लोगों को भी देवता लोग देख रहे थे, तो एक बार वो देवताओं को भी मारने के लिए दौड़ा, फिर देवता लोग गए छुपने के लिए तो जो भी है अब देवता लोग तो देख रहे थे, अब देखे कि मर गया है तो आए, तो फिर वो स्तुति कर रहे हैं, सारे देवता जो है स्तुति कर रहे हैं, यहाँ देवत न अस्तुति के दारुण विपति हम यही दीने, अब जनि राम खेलावे अतिशय दुखी तो दीबे देही, देव वचन सुनी प्रभु सुसकाना उठी रघुवीर सुधारे बाना, जटा जुट दृढ़ बांधे माथे सोहोई सुमन बिच 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 गाथे, तो देवताओं जो है वो कई प्रकार की स्तुति कर रहे हैं, और तो इसके बाद फिर जो है हनुमान जी को भगवान भेजते हैं सीता माता के पास, तो सीता माता के पास पहुंचते ही हनुमान जी को पहचान लेते हैं सीता माता, और पहुंचने के बाद पूछते हैं, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो है ना, तो हनुमान जी कह रहे हैं, सब विधि कुशल कुशलाधीशा मातु समर जीत्यो दश शीशा, अभी चल राजु विभीषण पायो सुनी कपि वचन हरस उरछायो, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर नित्याय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है,
उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाला वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया और बोले, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ ये जो शुभ समाचार तूने दिया है। इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी का, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। तो जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, आशीर्वाद कर रहे हैं, और वह हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। जय श्री राम। और फिर जो है तो विभीषण के कहने पर सारे राक्षस जो है वो क्या किए, सीता माता को बहुत अच्छे से तैयार किए, उनको स्नान कराए, उनको कई अलंकार से सुसज्जित करके सुंदर पालकी में बिठा के जो है लेकर आए। तो पालकी में लेकर आ रहे हैं तो भगवान ने कहा, कह रघुबीर कहा मम मानहु सीत ही सखा पाया दयान देखहु कपि जननी की नाई बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई श्री रघुवर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो तो सीता को पैदल ही ले आओ, पालकी में नहीं, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। भाई इतना मेहनत किए हैं, जिसके लिए किए हैं उसको देखेंगे तो, अब पालकी में लाओगे तो कैसे देखेंगे, है कि नहीं। तो गोसाई श्री राम जी ने ऐसे हंसकर कहा तो वानर जो है बहुत खुश हो गए कि नहीं, कि जिसके लिए इतना मेहनत किए हैं, इतना कम से कम देखेंगे तो उसको, तो फिर बहुत खुश हुए। और जब आ रहे थे तो भगवान ने फिर कहे कि एक कुछ कहे जिसमें सब लोग थोड़ा उदास हो गए, कहे कि अग्नि का प्रबंध करो। तो लक्ष्मण कर ही नहीं रहे थे तो भगवान जो है जब बोले तो फिर वो अग्नि का प्रबंध किए, तो सीता माता उस अग्नि में प्रवेश किए और प्रवेश करके निकल गए। एक्चुअली कारण यही था कि जैसे रावण जिस समय हरण करने वाला था तो भगवान जो है सीता माता को कहे कि अब समय आ चुका है, अभी हमारा है ना लीला होने वाला है और रावण आएगा तुम्हें हरण करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं अग्निदेव के शरण में देकर जाऊँ। तो फिर अग्निदेव को बुलाते हैं, फिर अग्निदेव जो है उनको लेते हैं और बदले में वो एक छाया सीता देते हैं, जो एक्चुअली वो गई थी वो छाया सीता गई थी, नहीं तो वैसे सीता माता को दूसरा कोई पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसी कारण वो फिर वो छाया सीता ही चली जाती है और फिर जो असली सीता जो है वो फिर अग्निदेव वापस कर देते हैं, कारण यही था। तो फिर सीता माता जो है वो भगवान के पास आती है और मिलन होता है। तो इंद्र आते हैं और इंद्र आके प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि कृपा करके और आज्ञा दीजिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे पर भूमि
निश्चरणी जे मारे मम हित लागी तजे इन प्राण सकल जियाओ सुरेश सुजाना तो भगवान कहे कि हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है और पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, जो मर गए हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो, इन सबको जो मर गए हैं उनको फिर जिला दो। फिर इंद्र जो है अमृत वर्षा करके जो भी मर गए थे युद्ध में वो सब फिर जी गए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वैसे तो देखा जाए तो वहाँ पे राक्षस भी पड़े हुए थे लेकिन राक्षस नहीं जिए। कह रहे हैं कि क्यों? कह रहे हैं कि क्योंकि उनका मुक्ति हो चुका था, क्योंकि वह राम जी को ही स्मरण करके मरे थे, है ना। तो श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वो गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार जब जाते हैं तो फिर विभीषण जो है कहते हैं कि मैं तो नहीं चाहता था और मैं कैसे रहूं। तो फिर भगवान कहते हैं कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम्हें मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सुनत विभीषण बचन राम के, हरषि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हरषाने, गहि पद पद गुण विमल बखाने। तो जैसे ही भगवान राम बोले कि तुम बस मेरा स्मरण करते रहना और फिर जो है तुम उस धाम को प्राप्त हो गए, तो विभीषण बहुत खुश हो गए और तुरंत भगवान जी के चरण को पकड़ लिए, और इसी बहाने सभी बानर भालू वो भी हर्षित हो गए, वो भी चरण को पकड़ लिए। बोले सियावर रामचंद्र की। तो उसके बाद फिर जो है भगवान जो है पुष्पक विमान में बैठकर वापस आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे अब तो सीता माता तो चली गई थी बीच में से, तो सीता माता जाने के बाद कहाँ कहाँ भगवान रहे वो सब जगह को दिखा रहे थे कि मैं यहाँ पे रहा, इस जगह का नाम ये है, ये ऋषिमुख पर्वत है, सब जो है एक एक करके करते करते फिर भगवान जो है पहुँचते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच के जो है फिर हनुमान जी को कहते हैं कि तुम जाओ, जाके देख कर आओ कि भरत का क्या समाचार है। अरे परीक्षा करने के लिए भगवान भेज रहे हैं कि अभी मनोभाव क्या है, हो सकता है कि मतलब राजा बन रहा होगा वो चाहता नहीं होगा, तो अगर ऐसा हो तो फिर मैं वन में ही रह जाऊँगा है कि नहीं। तो हनुमान जी को भेजते हैं और वहाँ पे जो है
भरद्वाज उनको स्वागत करते हैं और करते करते जो है निषाद राज भी मिलते हैं और फिर जो है सीता माता गंगा जी को प्रणाम करती है। फिर गंगा यमुना ये सब को मिलन होकर फिर उसके बाद जो है भगवान जाकर अयोध्या में पहुंचते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार ये जो वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन कौन कर रहे हैं, लव कुश कर रहे हैं, किसमें, अयोध्या में, अयोध्या में कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो तुलसीदास जी जो कर रहे हैं ये काक भूषुंडी गरुड़ जी को भी सुना रहे हैं और शिव जी भी पार्वती माता को सुना रहे हैं। और यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में कौन सुना रहे हैं, लव कुश सुना रहे हैं भगवान राम जी को राम और सारे राम लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। तो फिर कहते हैं जो कोई व्यक्ति रामायण के नाम से सुविज्ञ आध्यात्मिक इतिहास को प्रतिदिन सुनता है वो सभी पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। अपनी इंद्रियों को संयमित करके पूरी आस्था के साथ इसका श्रवण करने वाले को यह पवित्र कथा शक्ति दीर्घायु और विजय प्रदान करती है। जय श्री राम। यदि कोई स्त्री रामायण का पाठ करे तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि कोई राजा पढ़े तो वह विश्व विजयी हो जाता है। यदि कोई यात्री पढ़े तो वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता है। और यदि कोई पापी व्यक्ति रामायण का पाठ करे तो उसके पाप मिट जाते हैं। जय श्री राम। इस पवित्र कथा का बार बार पाठ करना चाहिए क्योंकि इसे सुनने वाले व्यक्ति को न केवल भौतिक वरदान प्राप्त होते हैं बल्कि ऐसा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यह एक ऐसी उपलब्धि है जो धार्मिक आर्थिक विकास इंद्रिय तुष्टि और निर्विशेष मोक्ष के सीमित हितों से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर रामचंद्र के प्रति विशुद्ध प्रेम विकसित करके व्यक्ति को चिरंतन आध्यात्मिक लोक में प्रभु के चरण कमलों में सदा सर्वदा के लिए शरण प्राप्त होती है। जय श्री राम। तो आप लोगों के आशीर्वाद से 5 दिन का कथा संपन्न हुआ।